नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाल मिस्ट्री ज्ञान चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे मित्र रेखा और शत्रु रेखा के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखें, इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है। और इसके पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब से नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और ये विषय अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। आइए अपने हाथ की तीन मुख्य रेखाओं को देखते हैं। सबसे पहले हमारी ये जीवन रेखा, कहते हैं ना हमारी जीवन की घटना, हमारे जीवन में होने वाले एक एक इवेंट हमारी जीवन रेखा बताती है। और इसी प्रकार से हमारी ये मस्तिष्क रेखा हमारे विचारों के बारे में बताती है, हमारे दिमाग के बारे में बताती है। और इसी प्रकार से हमारी हृदय रेखा हमारे दिल की धड़कन के बारे में बताती है, हमारे प्रेम प्रवाह के बारे में बताती है। सबसे पहले हमने बात की है शत्रु और मित्र की बात। कहते हैं जीवन में जब भी हम ऊपर उठते हैं, ऊंचाइयों को छूते हैं, कहीं ना कहीं हमारे मित्रों का सहयोग होता है, लेकिन कई बार हम नीचे गिरते हैं तो हमारे शत्रुओं का भी उसमें सहयोग होता है। तो यही कुछ इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। सबसे पहले हमारी जो तर्जनी उंगली है, जिसको कि हम एक धार्मिक नेचर को मानते हैं, आध्यात्मिक संबंध के बारे में बताती है। और दूसरी जो मध्यमा उंगली है, जिसको शनि की उंगली बोलते हैं, यह हमारे व्यापारिक संबंध के बारे में बताती है, हमारे रोजगार के संबंध के बारे में बताती है। और ये हमारी अनामिका फिंगर, ये हमारे राजनीतिक के करियर के बारे में बताती है, हमारे स्टेटस के बारे में बताती है। और इसी प्रकार से हमारी कनिष्ठा उंगली, ये हमारा बिजनेस कैसे है उसके बारे में बताएगी, यह हमारे व्यापारिक संबंध कैसे है उसके बारे में बताती है। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बताती कैसे है कि आपके शत्रु हैं ज्यादा कि आपके मित्र हैं ज्यादा। अब जब भी हम वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, जब खड़ी रेखाएं आपके हाथ में हो, ऐसी रेखाएं, अगर आपके हाथ में ऐसी रेखाएं, ये आपके जो ये वाला पार्ट है, सेकंड पार्ट सारा इसमें, ये आपके व्यावसायिक संबंध के बारे में बताती है कि आपका व्यवसाय कैसे है। अगर आपके हाथ में ये खड़ी रेखाएं हैं सेकंड पोर पे, सभी सेकंड के पोर पे, इसका मतलब अगर गुरु के सेकंड पोर पे होती है तो ऐसे लोग आपको आध्यात्मिक की तरफ ज्ञान मिलने वाला है, आपको सपोर्ट करने वाले हैं, आपकी हर तरफ से मदद करने वाले हैं। लेकिन अगर यही रेखा आपके शनि के फिंगर पे मिलती है, सीधी और खड़ी रेखा, ऐसे लोग आपका जो बिजनेस करने वाले हैं, जो व्यवसाय करने वाले हैं, आपको सपोर्ट करने वाले मिलेंगे, आपकी तरक्की को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसी प्रकार से आपके अगर सूर्य की फिंगर के ऊपर देखेंगे सेकंड के पोर पे, आपको स्टेटस की तरफ आपके सर्कल होंगे, राजनीतिक होंगे, कलात्मक वाले होंगे, नेम फेम देने वाले होंगे, मतलब मेरा कहने का है कि आपको सपोर्ट मिलेगी। और इसी प्रकार से बुध के सेकंड पोर पे अगर आप देखते हैं, जिसको हम कनिष्ठा की उंगली बोलते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं वो व्यापार के क्षेत्र में आपको मदद करने वाले मिलेंगे और हमेशा आपकी सपोर्ट करेंगे। फ्रेंड सर्कल नेचर जिसको हम बोलते हैं, ये मित्रता को दर्शाती है। जो पहला पॉइंट है यहां पे खड़ी रेखाएं, ये मित्र को बताती है, ये मित्र को बताती है। और इसी का नेगेटिव क्या पॉइंट बनता है यहां पे, जैसे कि आड़ी रेखाएं जिसको हम बोलते हैं, आड़ी रेखाएं हमेशा
अच्छे संकेत को नहीं बताती है, आत्मविश्वास में कमी लाती है, जिसको कि कहते हैं ऐसी रेखाएं, ये आड़ी रेखाएं। आड़ी रेखा हमेशा आपके सपोर्टर की बात नहीं होगी, आपकी प्रोग्रेस की बात नहीं होगी, आपके शत्रु की बात करेंगे, आपके दुश्मनों की बात करेंगे। ऐसे लोग आपके करियर में, जो भी आप काम करते हैं उस करियर से रिलेटेड आपको नीचे गिराने का काम करेंगे, आपकी सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन कई बार कंफ्यूजन होती है कि हमारे हाथों में ऐसी रेखा नहीं होती है, लेकिन पहले और दूसरे पोर में ऐसी रेखाएं मिलती है आपको। और ये जो तीसरा पोर होता है, ये तीसरा आपके, हम इसको कह सकते हैं व्यक्तिगत संबंध के बारे में बताती है, पर्सनल संबंध के बारे में बताती है। अगर ये आपके सपोर्ट वाली ऐसी रेखाएं हैं, ये वाली रेखाएं, तो आपके अपने पर्सनल जो भी होंगे आपके सपोर्ट करने वाले होंगे, आपका एक दूसरे के साथ अटैचमेंट कितना उसके बारे में बताती है। लेकिन कई बार आपने देखा होगा लोगों को सपोर्ट करते हुए, लेकिन जब भी मुसीबत का वक्त आता है तो आपके साथ छोड़ के चले जाते हैं। वो ऐसे लोग होते हैं, ये रेखाएं मोटी हों, रेखे एक रेखा के साथ एक रेखा बनती हो, ऐसे लोग हमेशा आपकी सपोर्ट के लिए नहीं खड़े रहेंगे। और दूसरी बात, कंफ्यूजन होती है कई बार कि हमारे लोग सपोर्ट करने वाले हैं कि नहीं है। उसमें आप देखेंगे तो ज्यादातर आप पाएंगे हाथों में जाल, ये जाल। अब जाल कहीं भी होता है वो कंफ्यूजन की बातें करता है। अब इनमें भी परखने की बात है, समझने की बात है। अगर ये रेखाएं ऊपर की तरफ सीधी की तरफ चलने वाली रेखा, वो आपके सपोर्टर की तरफ बात करेंगे, और नीचे जो वर्टिकल होती है जो रेखाएं काटने वाली होगी, वो आपके सपोर्टर ना करने की बात होगी। अब कई बार होता है कि सपोर्टर अपने परिवार और घर में भी होते हैं, और कई बार अपने घर परिवार के द्वारा या अपने फैमिली के द्वारा या आपके अपने रिलेशन के द्वारा क्या आपको परेशान करते हैं, उसका भी एक संकेत देखते हैं। ये शुक्र का पर्वत है, शुक्र का पर्वत कहते हैं ना कि शुक्र पारिवारिक वैवाहिक जीवन सुखों का प्रतीक माना जाता है। अगर इसी शुक्र के पर्वत से, ये हमारी भाग रेखा है, शुक्र के छेद से जब भी कोई रेखा कहीं भी एंटर करती है उसको काटती है। अब ये अगर आपकी काटती है, किसको काटा है इसने, माइंड रेखा को, ये माइंड रेखा को, इसका मतलब आपके अपने परिवार वाले आपको ऐसी स्थिति से गुजारना चाहते हैं जो आपका मन परेशान हो, खुश नहीं देखना चाहते। और यहीं से एक रेखा अगर आपके हार्ट लाइन पे भी काटे, ये काटने की बात की मैंने, तो ऐसे लोग आपके शादी समारोह में, आपके अपने बच्चे के शादी में दखल डालना चाहते हैं, आपके फैमिली के लोग हैं। और इसी प्रकार से यहां से एक रेखा अगर आपके इस भाग रेखा में काटे, इसका भी संयोग यही माना जाता है कि आपके अपने फैमिली के द्वारा, आपके अपने रिलेशन के द्वारा आपके काम में अवरुद्ध डालने का काम करेंगे, ये भी आपके शत्रु का ही काम करेंगे। तो दोस्तों, ये रही आज की हमारी वीडियो, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, और आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।